हेलो ऑप्टिमिस्ट्स, मेरा नाम है निकिता शर्मा और मुझे बहुत खुशी हुई आप एक बार फिर से वापस आए। जिनकी कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं वो एक अच्छी स्टूडेंट, एक अच्छी डांसर, एक अच्छी पियानिस्ट, एक अच्छी आर्टिस्ट और एक बहुत ही अच्छी शूटर हैं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिस पर पूरे देश को गर्व है। ये है महज 13 साल की सिमरन शर्मा। जानते हैं इनकी बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पिरेशनल कहानी के बारे में। सिमरन का जन्म 8 जनवरी 2009 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। ये कहानी शुरू होती है जब सिमरन केवल 9 महीने की थी। दशहरे का दिन था, उनका परिवार माउंट आबू घूमने गया हुआ था और वहां से वापस लौट रहे थे। तभी अचानक जंगल से निकलकर सड़क पर ऊंट आ गया। ऊंट को बचाने के लिए जैसे ही गाड़ी मोड़ी, गाड़ी ऊंट से टकरा गई। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से सिमरन को अंदरूनी चोट आ गई और उनके माता पिता को फ्रैक्चर हो गया। 2-3 दिन होने के बाद भी वो पैर नहीं हिला पा रही थी। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी उनका बुखार नहीं उतर रहा था। जब उनके पिता ने डॉक्टर से पूछा तो पता चला कि उनके रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। डॉक्टर को उनकी C6 लेवल सर्जरी करनी पड़ी। इसी दौरान उनकी स्पाइन क्रैश हो गई और गर्दन से नीचे के हिस्से में कोई सेंसेशन नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति हो गई थी कि अगर उनके शरीर में कोई कांटा भी चुभ जाए तो उन्हें पता नहीं चलेगा। ऐसी ही स्थिति में उनका जीवन चलता रहा और साल बीता और अब सिमरन 2.5 साल की हो गई। तो उनके पिता ने स्कूल में उनका एडमिशन कराना चाहा ताकि वे पढ़ाई लिखाई में बिजी हो जाएं और उन्हें मानसिक तनाव से ना गुजरना पड़े। उनका एडमिशन कराने के दौरान बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनके पिता ने उनके लिए एक स्पेशल चेयर बनवाई थी क्योंकि वे उस वक्त व्हील चेयर पर नहीं बैठ सकती थी। कुछ स्कूलों ने तो एडमिशन देने से ही मना कर दिया था। उन्हें लगता था कि सिमरन मेंटली अनफिट है। किसी तरह उनका एडमिशन एक स्कूल में हुआ। वे पढ़ने लगी, उन्हें बच्चे चिढ़ाते थे, कोई उनका दोस्त नहीं बनना चाहता था। जब वे उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी तो वे कहते थे कि जब तुम अपने पैरों पर ही खड़ी नहीं हो सकती तो खेलोगी कैसे। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें किसी भी एक्टिविटी में सबसे आखिर में बुलाया जाता था। पूछने पर कहते थे कि सभी बच्चों के बीच ये लड़की व्हील चेयर पर कैसे पार्टिसिपेट करेगी, तुम ये सब एक्टिविटीज नहीं कर पाओगी। सालों की फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, स्टेम सेल ट्रीटमेंट और बहादुर सिमरन की फाइटिंग स्पिरिट के कारण उनकी कमर से ऊपर का हिस्सा ठीक होने लगा, लेकिन निचले हिस्से में अभी भी सेंसेशंस नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। जब वे 9 साल की हुई तो स्कूल में राइफल शूटिंग का कैंप लगा था, तब उन्होंने पहली बार राइफल हाथ में उठाई। जब उन्होंने निशाना साधा तो 10.9 का गोल टारगेट किया, यानी उनका निशाना लगभग सटीक था और ऐसे उन्होंने 3-4 बार किया। तब उनके स्कूल टीचर ने प्रिंसिपल से बात की और वहां से उनके राइफल शूटिंग करियर की शुरुआत हुई। लेकिन तब तक ना ही उनके घर वालों को और ना ही उन्हें राइफल शूटिंग के बारे में कुछ भी पता था। इसी वजह से स्टेट लेवल में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उनके साथ बचपन में जब यह हादसा हुआ तब वे बहुत छोटी थी और उन्हें कुछ याद भी नहीं है, लेकिन उनके पिता जब इस हादसे के बारे में किसी को बताते हैं तो वो सहम जाते हैं। उन्होंने जब शूटिंग और इसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जाना तो सिमरन ने इसे एज अ करियर परस्यू करने का ऑप्शन चुना। अब उन्हें जरूरत थी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, तो अपनी ट्रेनिंग की वजह से उन्हें अम्बाला शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ उन्होंने मन लगाकर ट्रेनिंग की। अपने माता पिता की वजह से वे मोटिवेट होती रहीं। उनके पिता फरीदाबाद में जॉब करते थे, वे हर सप्ताह उनसे मिलने आते थे। सिमरन अपने माता पिता की पहली संतान हैं। जब यह हादसा हुआ तो वे 2 साल तक डिप्रेशन में थे, लेकिन उन्होंने वास्तविकता को स्वीकारा और सिमरन ने भी कभी उनका हौसला टूटने नहीं दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि दिव्यांग होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट होना पड़ा। कई जगह चढ़ने और उतरने के लिए रैंप ना होने की वजह से दिक्कतें हुई। इन सब चीजों के बावजूद भी उनके घर वालों ने उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। अपने घर वालों के मोटिवेशन के कारण उन्होंने नेशनल लेवल पर 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं।
उनकी सटीकता के कारण उन्होंने अपने सबसे पहले पैराशूटिंग चैंपियनशिप जो कि मार्च 2021 में हुआ उसमें 10 मीटर अंडर SH1 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने जोनल पैरा शूटिंग कंपटीशन 2021 में भी एक गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं। उन्हें वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप पेरू जो कि जून 2021 में होने वाला था और WSPS वर्ल्ड कप सर्बिया जो कि जुलाई 2021 में होने वाला था उसके लिए भी सेलेक्ट किया गया, लेकिन कोविड और फाइनेंसेस की कमी होने के कारण वे वहां नहीं जा पाई। शूटिंग के साथ साथ उन्होंने अन्य बहुत सी चीजों में मेडल्स और अवार्ड्स जीते हैं। उन्होंने पैरों में बगैर जान के भी स्टेट लेवल स्विमिंग में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। उन्हें स्विमिंग से रिलैक्स्ड फील होता है। वे पियानो और यूकेलेली बजाती हैं और डांस भी करती हैं। डांस इंडिया डांस रियलिटी शो के जज मास्टर मर्जी ने उन्हें डांस के लिए गाइडेंस दी है, जिसके बाद स्कूल के लोग भी डेली एक्टिविटीज में सिमरन को पार्टिसिपेट करवाने लगे। उन्होंने शौमक दावर ग्रुप में भी लगातार 4 साल तक डांस किया है, जहाँ से उन्होंने एक ट्रॉफी भी जीती है। आज भी वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती, लेकिन खुलकर जी रही हैं। उनके नाम से अब उनके परिवार को जाना जाता है। हाल ही में उन्हें बायजूस और CNN न्यूज 18 इनिशिएटिव के एक शो यंग जीनियस में भी आने का मौका मिला। उनके फैंस की लिस्ट में प्रोफेशनल स्पोर्ट्स शूटर अंजलि भागवत और पुलेला गोपीचंद भी शामिल हैं। वे सिमरन की पॉजिटिविटी और हार्ड वर्क से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। आज फिजिकल चैलेंजेस तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ सिमरन की फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरना पड़ता है। उनकी ट्रेनिंग की वजह से उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ रहा है। ट्रेनिंग में उन पर ही लगभग 50,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। बावजूद इसके सिमरन आशावादी हैं और उनका अगला टारगेट पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतने का है। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर रोज 3 से 4 घंटे लगभग 1 किलो की राइफल के साथ प्रैक्टिस करती हैं। चलिए जानते हैं कुछ और सवालों के जवाब खुद सिमरन की जुबानी। आप इतना अच्छा कर रहे हो स्पोर्ट्स में और आप अपनी पढ़ाई और स्पोर्ट्स साथ में कैसे मैनेज करते हो? सुबह स्कूल जाती हूँ और फिर शाम को मेरी शूटिंग होती है और फिर जब जितना टाइम मिलता है उसमें पढ़ाई करती हूँ और सैटरडे संडे जैसे हॉबीज के लिए करती हूँ तो ऐसे मैनेज हो जाता है। पियानो बजाती हूँ। तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? मैं पियानो बजाती हूँ, यूकेलेले बजाती हूँ, ड्राइंग करती हूँ और स्विमिंग भी करती हूँ और बहुत सारी चीजें करती हूँ, चेस खेलती हूँ। तो आप उन बच्चों को और उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लाइफ में थोड़ा ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस आते हैं या कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो उसको फेस नहीं कर पाते? आई विल से दैट ओनली दैट चेज योर ड्रीम्स एंड नेवर गिव अप, यू विल नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। एंड वन श्लोक इज देयर, उद्मेनी सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। इट मीन्स लाइक द प्रे इज नॉट कमिंग टू द लायन एंड सेइंग दैट ईट मी, लाइक दैट ओनली वी हैव टू डू वर्क एंड हार्ड टू अचीव आवर गोल्स। आपके जीवन में आपके परिवार का कितना सहयोग है? लाइक हाउ डू दे सपोर्ट यू, व्हाटएवर दे हैव डन सो फार यू कैन टेल अस? लाइक व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग वी शिफ्टेड फॉर 1 ईयर एट अम्बाला, सो माय डैड जॉब वाज हियर सो ही टेक पीजी इन दिल्ली एंड कम टू मीट अस एट द वीकेंड्स एंड माय मॉम एंड मी गो टू द शूटिंग एवरी डे एंड माय ब्रदर माय लिटिल ब्रदर श्लोक ही ऑलवेज सैक्रिफाइसेस फॉर मी अ लॉट बिकॉज ही वाज वेरी स्मॉल इन एज बट स्टिल मैनेजिंग एवरीथिंग बाय himself at home, so he has also done so much. And my nanu nani who come here for me every time whenever we ask to come them, so they have also sacrifices me for me a lot, so without them I am nothing, so they have done so much. That's actually very sacrificing for the family that they support their child in such a way that nobody else can. That's amazing. Yeah. तो आपके आगे की क्या प्लान्स हैं और आप
एक होता है लाइक आपको ओलंपिक में गोल चाहिए या एक अल्टीमेट गोल क्या है आपका एज अ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर नाउ? माई शॉर्ट टर्म गोल्स आर दैट विन गोल्ड मेडल्स इन नेशनल्स एंड क्वालिफाई फॉर एवरी वर्ल्ड कप्स. एंड देन माई हाइएस्ट लॉन्ग टर्म गोल इज क्वालिफाई फॉर द कमिंग एशियन गेम्स 2023 एंड द ओलंपिक इन पेरिस 2024. सो आई एम ट्रेनिंग फॉर दैट. खुद सिमरन का मानना है कि जीवन में कुछ ऐसा नहीं जो हमें हमारी मंजिल को पाने से रोक सके, बस मेहनत करते चलो और आगे बढ़ते चलो, मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और जिनको भी आप जानते हैं और ये इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का, दोनों का बहुत सारा ध्यान रखिए और खुश रहिए।